हम लोगों को पूरा रोड स्ट्रेट मिला। अभी 10-20 किलोमीटर पहले ट्रेवल करता है, अभी 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया है हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं ये रोड पर। बहुत ही अच्छा रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट, एक भी टर्न नहीं मिला इधर हम लोग। कितने सारे बेड है, पूरा रास्ता ब्लॉक। आप सोचेंगे नहीं उतना दूर तक आ रहे हैं। देखो पूरा रास्ता उनसे बेड से ही भरा है, गाड़ी को भी रास्ता नहीं है। ये देखो इन लोग का मतलब ये जो रैली जैसा है वो खत्म हो जाएगा, गाड़ी निकालने का है, पूरा ब्लॉक है रास्ता। ये देखो दोस्तों वापस बेड गए थे ना, ऐसा ही कैमल जा रहे हैं, बड़े बड़े कैमल है देखो। और मैंने तो इतने कैमल एक साथ कभी देखे नहीं, वो भी बोल रहा हूँ मैंने कभी नहीं देखे थे इतने कैमल, अब देख सकते हो। नहीं देखे अभी हम लोग बिल्कुल उज्जैन में ही है, जा रहे हैं राजस्थान के लिए। तो उधर हमको रास्ते में देखो ये नज़ारा मिला देखने को, कभी नहीं मिलेगा वो। देखो कितना बड़ा कैमल है, ऐसा दोस्तों हमारे सीरीज में बने रहे हम लोग, जो भी अच्छा है रास्ते में व्यू नहीं तो कुछ ऐसा नज़ारा तो ज़रूर दिखा पाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे अगर दिखा सकते हैं तो। ये देखो मन खुश हो गया इन लोग को देख के, अरे वाह। ये हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है इधर, एक होटल मिल गया हम लोगों को रास्ते पर ही, अभी ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने छोले भटूरे लिए थे तक, क्योंकि इधर रुके थे क्योंकि इधर से अभी 200 किलोमीटर तक कोई हमें रेस्टोरेंट या होटल या ढाबा कुछ नहीं मिलेगा। सीधा रोड है, पूरा हाईवे और पूरा स्ट्रेट रोड है, टर्निंग नहीं है किधर भी, पूरा स्ट्रेट। लेकिन थोड़ा डेंजर भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब जैसे कि गौ माता नहीं तो कोई बकरा भेड़ कभी भी अचानक आता है रास्ते के बीच में, इसलिए स्पीड का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, और डॉगी भी अचानक से सामने आते हैं, रोड के बीच में आते हैं, इससे थोड़ा डर लगता है क्योंकि हमारे गाड़ी की स्पीड होती है ना वो टाइम पे, इसलिए। अभी चलें, अभी आगे हम चल रहे हैं गुंसी कोटा रोड के तरफ से, तो देखेंगे आगे कौन सा जंक्शन पे हम लोग चेंज करेंगे। हमको अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, दो रास्ते हैं, एक दिल्ली होके और एक हरियाणा होके, तो इधर से टोटल हमारा अभी 1220 किलोमीटर बचा है हिमाचल के लिए। अभी देखेंगे कि रास्ते में क्या क्या मिलता है और हम लोग क्या दिखा पाएंगे आप लोग को, और ट्राई करेंगे कि सब कुछ अच्छा ही दिखाए और जितना कवर कर सकते हैं उतना किलोमीटर कवर करेंगे। ये देखो ये ऊंट सवार है, ऊंट का, ऊंट का सवारी, ना ना ऊंटा जो ये लगेज रखा है, लगेज नहीं वो सबका, वो ये बेड, बेड जैसा खटिया चारपाई बोलते हैं ना, वो चारपाई डाला है और लेके जा रहे हैं उन लोग को। किधर जा रहे हैं मालूम नहीं, कोई मिल नहीं रहा है। दादा गोट दे, गोट दे, गोट गोट लेते हैं, नॉट गोट, दिस कैमल, कैमल भाई ते कैमल जाना, तू कैमल तू दाखल ना मरे आया, नॉट टचिंग कैमरा कैमल। ये देखो गौ माता ऐसा हर जगह पे मिलेगा इधर। हाँ।
एक बार तो ब्लॉक होते हैं ना, तो बहुत ही ब्लॉक होते हैं। देखो गाड़ी के लिए नहीं दोस्तों, लेकिन इधर कैटर्स बहुत है रस्ते पे, कैटर बाद में अपना बेड मून कैमल कैमल भी बहुत है। कैमल बहुत देखा हम लोगों ने, हर ये 10 मिनट्स में हम लोगों के कैमल दिख रहे हैं। और इसको वाइल्ड लाइफ नहीं बोलते, डोमेस्टिक एनिमल। रोड भी बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट रोड है इधर हाईवे, और बहुत अच्छा रोड है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा रोड अच्छा है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ना वो सही में डेंजर है, क्यों वो कभी भी भाग के हम बीच में आ सकते हैं। तो हो गया उधर ही गाड़ी है तो जैसे कि अभी ये लोग रैली खत्म हो गया, हम देखो दिखाओ आगे रोड खाली है पूरा। हाँ ये देखो अभी रोड पूरा खाली है, कितना अच्छा रोड है, सीधा स्ट्रेट रोड है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अभी हम लोग राजस्थान एंट्री करने वाले हैं इधर से। अभी नहीं, बहुत टाइम है। 336 किलोमीटर हम लोग अभी एमपी में ही है। बहुत ही अच्छा एक गेट जैसा हम लोग को मिल गया है, फोर्ट का। हाँ रेलवे ब्रिज है वो, ना रेलवे ब्रिज है। हाँ रेलवे ब्रिज है, अभी जो रेलवे उसे पीछे ये देखो बहुत अच्छा दिख रहा है इधर से ब्रिज। देखो हम लोगों को मिर्ची का ट्रक मिल गया, मिर्ची भरा हुआ है अंदर पूरा, ये देखो बहुत है, ये पूरा का पूरा जो बैग दिख रहा है मिर्ची से ही भरा हुआ है, इतना सारा मिर्ची है। ये मिर्ची, ये पूरा ट्रक ही मिर्ची का है, और आगे एक ट्रक है, देखते हैं क्या है उसमें। हाँ ये भी इधर भी अगर समझो इसमें मिर्ची लहसुन कांदा बटर मिल गया तो सब्जी इधर ही करेंगे। ऑनियन ही सर दे, ऑनियन है इसमें। ऑनियन ही है, ऑनियन होते ये देखो पूरा ऑनियन का ये है। हाँ तो ये ऑनियन, ये मिर्ची, आगे का ट्रक मेरे को लगता है पोटेटो लेके जाएगा, टमाटो, बस सब्जी इधर ही बना सकते हैं। इधर ही बनाएंगे, किचन भी हमारे गाड़ी में है। टोल गेट पर पहुंच गए राजस्थान में, ये पहला टोल है राजस्थान में। हम लोगों ने पूरा स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट हम लोगों को मिलता है वो कवर करके आ गए, पास हो गए वो स्टेट में से। ये ट्रिप में हमारे बहुत स्टेट चेंज किए, बहुत स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र में आ गया, कर्नाटका में भी आ गए हम लोग। देखो आप देख सकते हो दोस्तों, उधर एक छोटा सा गणपति है, ऐसा है। कभी कभी वो लोग फैमिली भी जाते हैं अंदर नाव में, कभी कभी वो नाव वाले को भी गणपति सौंप देते हैं। ये देखो अभी वो लोग का 9 दिन का गणपति का विसर्जन नाव वाले के पास सौंप के, नाव वाला उसको पानी में लेके जाके विसर्जित करता है।
राजस्थान में कोटा में है। और ये देखो, ये बहुत ही अच्छा कुछ पैलेस जैसा हम लोगों को मिल गया, पता है नहीं क्या हुआ है, पैलेस या होटल है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन हम लोग रुक के इधर फोटो लिया, वीडियोस लिया हम लोगों ने। देखो सुबह के 9 बज गए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल गए, और जयपुर है इधर से 30 किलोमीटर्स, और हम लोग जयपुर से बाद में हरियाणा से चंडीगढ़ से बाद में हम लोग हिमाचल जाएंगे, मतलब ये और रूट से होके जाएंगे, और रूट से होके जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में हमारा बहुत ही बड़ा मीटअप है यूट्यूबर्स का, सब यूट्यूबर्स आने वाले हैं हिमाचल में। यूट्यूबर्स मतलब कैंपिंग यूट्यूबर्स है, मतलब हम लोग स्पेशली जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। सो हमारा 30, 30 और 1 तारीख को मीटअप होगा उधर, बाद में हम लोग उधर से लेह लद्दाख जाएंगे, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है लेह लद्दाख, हमें लेह लद्दाख एक्सप्लोर करना था, इसलिए गोवा टू लेह लद्दाख हम लोग जाएंगे। और गोवा की ऐसी पहली कैंपिंग कार है जो ये फर्स्ट कैंपिंग कार है जो बाय रोड जा रही है, बाय रोड। सो गोवा टू लेह लद्दाख हम लोग जाएंगे, लेकिन बीच में जो जो रास्ते में जो जो अच्छे अच्छे प्लेसेस मिलते हैं उधर हम लोग ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। अभी 30 तारीख को हम लोग को पहुंचना है हिमाचल में। कल रात दोस्तों हम लोग इधर ही, मतलब मेन हाईवे पे जिधर एक होटल था उधर ही बाजू में लगा के सोए थे। गाड़ी में हमारी सुविधा है सोने का, तो गाड़ी में सो गए। लेकिन कल हम लोग गाड़ी में खाना नहीं बनाया, जैसे कि हमारे गाड़ी में किचन है, हम जाके लोकल टिपिकल राजस्थानी खाना खाया ढाबे पे, तो उधर खाके खाने के बाद हम लोग रास्ते में गाड़ी मतलब होटल के बाजू में लगा के सेफ साइड में देख के सो गए थे। अभी उठ के हमारा पूरा मतलब जो डेली रूटीन है वो अपना पेट्रोल पंप पे, भारत पेट्रोल पंप पे रुक के हम लोग फ्रेशन अप होके कपड़ा वपड़ा चेंज करके अभी निकल रहे हैं हम लोग हमारा जर्नी कम्प्लीट करने के लिए। लेकिन बीच में सड़क में कुछ मिल गया, ऐसा मिल गया तो मिलेगा ही, लेकिन हमको टाइम मिल गया तो दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जयपुर मेन सिटी में पहुंच गए हैं, और इधर बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, मतलब गाड़ी बहुत धीरे चलती है। ये देखो इधर ये हयात पैलेस, इसके पीछे मॉल भी है, वो ये भी बड़ा मॉल है इधर का जयपुर का, ये देखो जलसा मॉल। सिटी में पहुंच गए हैं राजस्थान में, जयपुर पिंक सिटी में। ये देखो सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, ये सब जगह है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है। देखते हैं हम लोगों को क्या देखने को मिलता है आज, क्योंकि हम लोगों का टाइम सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पहुंचना है अभी, बस थोड़ा टाइम कम है अभी, यूटिलाइज करेंगे उसमें से भी टाइम निकाल के हम लोग ये दिखा पाएंगे, तो देख सकते हैं क्या अच्छा अच्छा दिखाएंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है अभी फिलहाल आज के टाइम में, तो ऐसा देखने को गए तो राजस्थान पूरा घूमने को 1 महीना लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे जगह है इधर, फोर्ट भी अच्छे। अभी फिलहाल जो एकदम सामने है वही दिखाएंगे। हाँ क्या बोलते हैं, हवा महल में हम पहले जाएंगे, पहले हवा महल देखेंगे, जंतर मंतर भी अच्छा है तो उधर भी जाएंगे बाद में, पैलेस और सिटी पैलेस है वो भी देखेंगे। इसको पिंक सिटी बोलने के कारण मेरे ख्याल से तो ये कलर, हाँ कलर में देखो पूरा पिंक जैसा है, पिंक मतलब ब्राउन, पिंकिश, पिंकिश ब्राउनिश के शहर है मेरे सब ऊपर प्लेसेस पर। आगे से देखो ये हवा महल पर पहुंच गए हैं, गेट आएगा, गेट के आगे देखो, बहुत अच्छी जगह है ये, कितना अच्छा दिख रहा है ना, वाव भाई कोई बिल्डिंग कोई, ओ वाव। ये देखो ये जयपुर का मेन गेट है इधर, ऐसे कितने गेट में, ऐसे सात गेट मिलते हैं जयपुर के सिटी में एंट्री करने के लिए, और ये जयपुर 12 किलोमीटर में बसा हुआ है।
बराबर हो, जैसा सात गेट से एंट्री करेगा तो पिंक सिटी में एंट्री हो जाएगा, पिंक सिटी में एंट्री हो जाएगा। जैसा कोई भी सात गेट से बाहर आएगा तो एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं हवा महल देखने के लिए। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स हॉर्स, ये देखो घोड़ा गाड़ी इधर है। वाओ नाइस हॉर्स है। ये देखो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हवा महल। ये जो सामने दिख रहा है वो हवा महल, और इधर की ट्रैफिक, ये मेन सर्कल है। आप देख सकते हो ये सब जगह रिक्शा है, ई रिक्शा। ये है असली राजस्थान, पिंक सिटी। दोस्तों ये देखो, ये है हवा महल, राजस्थान का फेमस हवा महल। दोस्तों ये देखो, बहुत ही अच्छा इधर कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा मिलता है जयपुर में। हम लोग हवा महल के उधर आए थे तो इस दुकान पे हमको अच्छा रेट मिल गया। और ये भाई का नाम है अब्दुल, शॉप नंबर 13। आप बराबर सामने है हवा महल के, तो आके आप भी इस पर ट्राई कर सकते हो। कपड़ा रिजनेबल रेट में मिलता है इधर, प्योर कॉटन। ये है जयपुर सिटी, पिंक सिटी। अब इधर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं हिमाचल। अब उधर हमारा मीटअप है इसलिए हम लोग उधर जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है ये जयपुर। पगड़ी के लिए कितना कर दी, पगड़ी खरीदने के लिए पूरा पगड़ी है। इधर भी ऊपर पगड़ी है, ये देखो पूरा पगड़ी का दुकान, और लोग भी बहुत रहते हैं इधर, बहुत सेल होता है। रास्ते पर एलिफेंट मिल गया, बहुत अच्छा दिख रहा है एलिफेंट। हेलो एलिफेंट। अब हम लोग पिंक सिटी से बाहर निकल गए हैं, जयपुर पिंक सिटी से बाहर निकल गए हैं। ये उसका मेन गेट है। अभी हम लोग हरियाणा एंट्री मारेंगे, वो साइड में अभी दिल्ली का रोड हम लोगों ने छोड़ दिया, ये हरियाणा का रोड है, हरियाणा चंडीगढ़ जाने का रोड है। एकदम सीधा सीधा कितने किलोमीटर आ रहे हैं, हरियाणा भी हो जाएगा हमारा 20 किलोमीटर में एंट्री हो जाएगा। हाँ। लेकिन टोटल हिमाचल के लिए 574 किलोमीटर है, हिमाचल के लिए 574 किलोमीटर है। रोड देखो आप, एकदम सीधा सीधा, तो कुछ यही नहीं चलाने का।